गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आज के वर्तमान युग में या प्रतिस्पर्धात्मक युग में कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। दूर दूर बैठे दो बिजनेसमैन हैं जिनके पास टाइम का शॉर्टेज है, टाइम का अभाव है, वो कम्युनिकेशन के थ्रू एक स्थान से बैठ के दूसरे स्थान में बैठे अपने बिजनेस पार्टनर से किसी भी प्रकार के डील, किसी भी प्रकार का ऑर्डर कर सकते, चाहे इनसे पैसे की बचत बोलिए या समय की बचत बोलिए। लेकिन आज के समय में, आज के वर्तमान युग में कम्युनिकेशन के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। कम्युनिकेशन दो व्यक्तियों के बीच होने वाले उनके आइडिया, उनके इमोशन, उनके थॉट, उनकी ओपिनियन को कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो कम्युनिकेशन टू वे ट्रैफिक है, द्विमार्गी है। एक इसमें सेंडर होता है और दूसरा रिसीवर होता है। इसमें कम से कम टू आर मोर पर्सन होना चाहिए, एक कहने वाला और दूसरा सुनने वाला। लेकिन शर्त यह है कि जो कहने वाला अपनी भावनाओं, अपनी इमोशन को जिस मीनिंग के साथ कहता है, सुनने वाला भी उसी मीनिंग के साथ उसके आइडिया को या उसके मैसेज को, उसके इमोशंस को समझे। अगर वो उस मीनिंग के अनुसार नहीं समझता है तो उनके बीच होने वाला कम्युनिकेशन को कम्युनिकेशन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो सेंडर है उसने जिस मीनिंग के साथ, जिस अर्थ के साथ, जिस विचार के साथ दूसरे व्यक्ति को मैसेज किया, इंफॉर्मेशन किया, उस दूसरे व्यक्ति ने जो रिसीवर है उसको उस अर्थ पे, उस मीनिंग पे नहीं लिया, तो यहां पे मीनिंग चेंज हो गया। तो ऐसे में कम्युनिकेशन पूर्ण नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता। इसलिए कम्युनिकेशन को पूर्ण होने के लिए यह आवश्यक है कि जो सेंडर है जिस मीनिंग के साथ अपनी आइडिया, अपने इंफॉर्मेशन, अपने फैक्ट्स, अपने इमोशन को सेंडर को सेंड किया है, सेंडर भी उसी मीनिंग के साथ उसको कैच करे। क्लियर? अब इसके ये हो गए इसकी मीनिंग। अब डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू न्यूमैन एंड समर, न्यूमैन एंड समर के अनुसार कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बिटवीन टू आर मोर पर्सन। न्यूमैन और समर ने कहा है कि दो व्यक्तियों के बीच भावनाओं, दृष्टिकोण और उनके तर्कों का आदान प्रदान ही कम्युनिकेशन है। क्लियर? सेकंड, अगर इसके डिफिनेशन में आए तो किथ डेविस, अकॉर्डिंग टू किथ डेविस, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डेविस के अनुसार कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जो दो व्यक्तियों के बीच एक व्यक्ति के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के माध्यम में दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित की जाती है, तो ये कम्युनिकेशन हुआ। तो इसे दो बात क्लियर होती है। पहला कि ये टू वे ट्रैफिक है, इसमें दोनों तरफ से
कम्युनिकेशन का आदान प्रदान होना चाहिए, तो फिर ये कम्युनिकेशन का कोर्स कंप्लीट होगा। और दूसरा, कम्युनिकेशन में मीनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस मीनिंग से सेंडर ने रिसीवर को इंफॉर्मेशन भेजा है, उसी मीनिंग के अनुसार रिसीवर को उसको कैच करना चाहिए। नहीं तो मीनिंग में अगर चेंजेस हो जाएगा तो कम्युनिकेशन का कोई अर्थ नहीं रहेगा, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और दूसरी बात, इसमें कम से कम दो पर्सन होना चाहिए, एक सेंडर और दूसरा रिसीवर। डिक्लेरेशन के बाद आप आते हैं ऑब्जेक्ट पे। कम्युनिकेशन के क्या उद्देश्य है? तो पहला है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल स्किल, प्रबंधकीय कौशल का विकास। आज के समय में कंपटीशन बिजनेस में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कोई सा भी ऐसा एरिया नहीं बचा है जहां पे कंपटीशन नहीं। नेशनल इंटरनेशनल कॉरपोरेट का आजकल चलन है, तो ऐसे में किसी भी कंपनी का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजर होता है, वो कम्युनिकेशन के थ्रू एक स्थान पर बैठकर अपने अधीनस्थों को या अपने ऑनर्स को इंफॉर्मेशन देता है। जब वो इंफॉर्मेशन देता है तो वो इंफॉर्मेशन प्राप्त भी करता है, उसके अनुसार वो डिसीजन लेता है, जिससे उसकी मैनेजमेंट स्किल बढ़ती है, मैनेजमेंट स्किल में विकास होता है। कोई भी व्यक्ति जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक की किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी आइडिया या किसी भी फैक्ट्स, किसी भी इमोशन को भेजता है, तो एक प्रकार से उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, उसकी स्किल बढ़ती है। तो ये ऑब्जेक्ट है। आज का समय बिजनेस का समय है, इसलिए हम बिजनेस के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं, जहां सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन और आइडियाज का आदान प्रदान होता है, इनकोडिंग और डिकोडिंग होता है, तो वो एरिया है बिजनेस। तो बिजनेस का मैनेजर या बिजनेस का ओनर या एक बिजनेस मैन दूसरे बिजनेस मैन को किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी आइडिया को भेजकर अपनी स्किल डेवलप करता है। ये सेकंड पॉइंट है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ चेंजेस, परिवर्तनों को लागू करना। हम अभी बिजनेस की बात कर रहे थे या किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी की बात कर रहे थे, तो वहां का जो मैनेजर है या वहां का ऑनर, वो किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने अधीनस्थों को, अपने से अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को, इंप्लाइज को, किसी ऑर्डर के थ्रू परिवर्तनों को लागू कर सकते हैं। क्योंकि आज का बिजनेस पल पल में चेंज होने वाला है, कंपटीशन ज्यादा है। एक ऑनर को, एक मैनेजर को अपनी डिसीजन बदलना पड़ता है। तो ऐसे समय में अगर किसी प्रकार का कोई डिसीजन बदला जाता है, कोई ऑर्डर चेंज किया जाता है, तो ये जरूरी है कि उनका इंफॉर्मेशन उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस कंपनी के अदर वर्कर्स को भी, ऑफिसर्स को भी होनी चाहिए। इसलिए ये जरूरी है कि कम्युनिकेशन के थ्रू वो इन सूचनाओं का, अपनी भावनाओं का इंप्लीमेंट करवा सकता है। जो कंपनी के गोल्स हैं, कंपनी के ऑब्जेक्ट्स हैं या कंपनी का एम है, उसमें अगर किसी प्रकार का परिवर्तन करने की नौबत आती है, ऐसा कंडीशन आता है,
तो ये कम्युनिकेशन ही एक ऐसा माध्यम है, कम्युनिकेशन ही एक ऐसा मीडियम है और स्ट्रांग मीडियम है जो किसी भी प्रकार के चेंजेस को इम्प्लीमेंट करा सकता है, परिवर्तन को लागू करा सकता है। जितनी जल्दी सूचना कंपनी के वर्कर्स को, कंपनी के ऑफिसर्स को मिलेगी, उतनी जल्दी वो उस ऑब्जेक्ट को या उस एम को जिसके लिए कम्युनिकेशन किया गया है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते। क्लियर? हर कन्वेइंग द राइट इंफॉर्मेशन एंड मैसेज, सही सूचनाओं और संदेशों का संप्रेषण। आपको ये अच्छी तरीके से मालूम है कि कम्युनिकेशन टू वे ट्रैफिक है, द्विमार्गी है। तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी भावनाओं या अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करता है तो दूसरा व्यक्ति भी उसको उसी अर्थ पे लेता है। लेकिन यहां पे ये जरूरी है कि जो इंफॉर्मेशन उसको दिया जा रहा है, जो उनको मैसेज किया जा रहा है, वो मैसेज राइट हो, सही हो और सही व्यक्ति तक के पहुंच रहे। कम्युनिकेशन का एक ऑब्जेक्ट है कि सही व्यक्ति के पास सही सूचनाओं का आदान प्रदान होना चाहिए। अगर सूचना सही व्यक्ति के पास नहीं जा रही, भले ही उस इंफॉर्मेशन में सच्चाई हो, तो उसका कम्युनिकेशन का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए कम्युनिकेशन में इंफॉर्मेशन का, आइडियाज का, फैक्ट्स का, इमोशन का सही होना तो आवश्यक है, साथ ही ये भी आवश्यक है कि वह सही व्यक्ति के पास ही कम्युनिकेट हो रहा हो, सही व्यक्ति के पास ही मैसेज जा रहा हो, तभी उस कम्युनिकेशन का अर्थ रह जाएगा। अगर किसी धोखे से किसी ऐसे व्यक्ति के पास वो कम्युनिकेशन पहुंच गया जिससे, या फिर वो आइडिया या फिर इमोशंस पहुंच गए, वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गए, तो उसका हो सकता है दुरुपयोग भी हो, या फिर जो व्यक्ति नहीं समझता तो उस सुझाव का, उस इमोशन का, उस इन्फॉर्मेशन का वो सेंड नहीं करेगा, रिसीव करने के बाद वो सेंड नहीं करेगा। तो कम ये होगा कि सही व्यक्ति के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं, या फिर पहुंची भी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया उसका ऑब्जेक्ट। अब कम्युनिकेशन का फंक्शन क्या है? फंक्शन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के दो फंक्शन होते हैं, एक इंटरनल फंक्शन और दूसरा एक्सटर्नल फंक्शन। इंटरनल फंक्शन में जो एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी इंप्लाइज हैं, उनको किसी भी इंफॉर्मेशन का, किसी भी आइडिया का सूचना प्रदान किया जाता है, उनको सूचित किया जाता है। तो जो एक कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कम्युनिकेशन होता है वो इंटरनल फंक्शन के अंदर करता है, कम्युनिकेशन के इंटरनल फंक्शन के अंदर करता है। लेकिन जब कंपनी को, एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक फर्म को कंपनी से बाहर, एक्सटर्नल कंपनी से बाहर किसी प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है, जैसे कि गवर्नमेंट से बात करना होता है, बैंक वालों से बात करना होता है, इनकम टैक्स वालों से बात करना होता है, तो ये जितनी भी अदर पार्टियां हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की, उनसे किसी प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, उनसे किसी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन आदान प्रदान होता है, तो वो
एक्सटर्नल फंक्शन के तहत होता है। तो कम्युनिकेशन के दो कार्य हैं, एक इंटरनल फंक्शन आंतरिक कार्य और दूसरा एक्सटर्नल फंक्शन बाहरी कार्य। तो ये कम्युनिकेशन का फंक्शन हुआ। और कम्युनिकेशन के टाइप की अगर बात करें, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है वर्बल। वर्बल में कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक की इमोशन, एक की
आइडियाज को दूसरे ने उस मीनिंग के अनुसार नहीं समझा जिस मीनिंग के अनुसार एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति तक के पहुंचा। तो आज का ये टॉपिक था हमारा कम्युनिकेशन का। थैंक यू वेरी मच।